Hello everyone, this question appears in class 6 NCERT chapter of basic geometry ideas. This is first question of its exercise 4.6. So the question says that from the figure identify the center of circle. So a fixed point जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफेरेंस सेम हो, वो कह रहा था हमारा सेंटर, तो वो यहां पे हमारा पॉइंट ओ। दिया जाएगा हमारा 3 रेडी, तो रेडियस होती है हमारी जो हमारे सेंटर को सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करने वाली लाइन, तो यहाँ वो है यहाँ हमारे पास ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, तो रेडियस हो जाएगी हमारी ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। सी पार्ट हमारा डायमीटर, तो सर्कमफेरेंस को मिलान, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली वो लाइन जो हमारी सेंटर से पास हो, वो कहलाएगा हमारा डायमीटर, तो वही हमारे पास ए सी। डी पार्ट हो जाएगा हमारा अ कोर्ड, तो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाएगी हमारी कोर्ड, तो वो जाएगी हमारी ED। ये पार्ट है हमारे पास टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, तो सर्कल के इंटीरियर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं O एंड P, तो जगह P एंड O। F पार्ट है हमारे पास अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट है ओनली Q, पॉइंट हो जाएगा पॉइंट क्यू, एंड जी हो जाएगा हमारा अ सेक्टर, तो हमारे सेंटर से जो दो रेडियस हैं इनके बीच का जो पार्ट है जो शेडेड है ब्लू कलर से, ये हो जाएगा हमारा सेक्टर ए ओ बी एंड एच अ सेगमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ईडी। ED के थ्रू हमारे पास एक है हमारे पास ब्लू पार्ट में शेडेड रीजन और एक है अदर कंप्लीट, तो ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। दैट्स योर फाइनल आंसर। थैंक यू।